हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका हेल्थी एटॉमी के अंदर। आज हम बात करेंगे एटॉमी बैलेंस लाइफ के बारे में कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है कम्प्लीटली लाइफ को चेंज करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के सिडेंटरी लाइफस्टाइल में वेट पुट ऑन करना बहुत ईजी है बट उसको रिड्यूस करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको एक अच्छा डेडिकेशन चाहिए जिसकी वजह से आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकें। सो आज से आप ये ज़रूर फोकस करें कि आप क्या खा रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, खाने के बाद क्या होगा, ये चीज़ आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी या आपको उससे दूर कर देगी। तो एटॉमी आपको ओनली फाइनेस्ट प्रोडक्ट ही रिकमेंड करेगा जो आपको और हेल्थी बनाने में हेल्प करेगा। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप प्रोडक्ट लेने के साथ साथ अदर करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं या नहीं। फर्स्ट, एस्टिमेटिंग लेस कैलोरीज बर्न करना ये कोई आंसर नहीं है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जितना ज़्यादा आप कैलोरीज खाएंगे उतना कैलोरीज आपको बर्न करना होगा, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई रोक टोक नहीं है कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना या पिज़्ज़ा पैटी बर्गर आपको नहीं खाना, आप उसे खा सकते हैं, आप अपने सैटरडे संडे वाले दिन खा सकते हैं और उतनी ही मेहनत आप नेक्स्ट डे आके करेंगे जिससे आप उसको प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे। सेकेंड चीज़, ईट इनफ प्रोटीन। जितना आपका वेट है अगर आप उससे ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं या अगर उतना ही वेट कंज्यूम उतना प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगी और आपकी आपका जो वेट होगा वो कभी पुट ऑन नहीं होगा। थर्ड चीज, ईट इनफ फाइबर। फाइबर खाने से बेसिकली होता क्या है, जब आप खाना खाने से पहले फाइबर को कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में जाके एक मोटर ऑन होती है जो आपके पिछले खाने को बर्न करने में हेल्प करती है। उसके बाद जब आप नया खाना एंटर करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस बन जाता है जिससे आपका डाइजेशन उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा, बर्न कर पाएगा। फोर्थ चीज़, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आपको अपने माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप इस गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और गिव अप करने से होता है क्या है, आप अपने वेट को और पुट ऑन करते हैं जो आपके माइंड पे स्ट्रेस डालता है। इसलिए फोकस रखें, पेशेंस रखें और उस पॉइंट्स को फॉलो करें जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट, ट्रैक व्हाट यू ईट। जो भी चीज़ें आप खाएं उसे आप ट्रैक करें कि बेसिकली आप खा क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो आपकी टंग को अच्छा लग रहा है बट आपके पेट के लिए अच्छा नहीं, आप उसको भी कंज्यूम कर जा रहे हैं, बट होगा क्या, उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उस चीज़ को घटाने के लिए। तो कोशिश करें कि मैनेज करें अपने कैलोरीज को, जो भी आप इनटेक कर रहे हैं मॉनिटर करें कि कौन सा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए सिग्निफिकेंटली अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। एटॉमी बैलेंस लाइफ एक बहुत ही अच्छा हेल्थी मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको 43% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलता है जो स्लो डाइजेस्टिव रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जाकर स्लो स्लो डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका एपेटाइट फुल रहता है और आपको भूख कम लगती है। सेकेंड चीज़, इसमें आपको मिक्स्ड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल पाउडर मिलता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 36.1% है। ये सिंगल प्रोडक्ट आपके सभी तरीके के नेचुरल कोलेजन को इम्प्रूव करता है। इसमें एडेड फाइबर सब्जियों से मिलने वाले सभी सैलेड के बेनिफिट को आपको दिलाता है। एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी को चलाने का काम करती है, बनाने का काम करती है। हर्ब्स एक्सट्रैक्ट एंड प्रोबायोटिक आपके डाइजेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आप चाहें तो अपना लंच या डिनर स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह आप इस एटॉमी बैलेंस लाइफ को ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत सारे ग्रेन्स को ऐड करके बनाए जिसमें हम यूजली खा नहीं पाते हैं और हमें मिल भी नहीं पाता इतने सारे ग्रेन्स, इतने सारे फ्रूट, क्योंकि हम सालों से एक ही तरीके के फूड को कंज्यूम करते आ रहे हैं और एक ही रूटीन को फॉलो करते आ रहे हैं। बट जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको तीन तरीके के राइस को कंज्यूम करने का मौका मिलेगा, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्लूटोनियस राइस आपको खाने का मौका मिलेगा। बार्ली, पीनट्स, वाइट बीन, ब्लैक सीड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के साथ ही अपनी बॉडी में इंटेक कर पाएंगे। वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है ब्रोकली, टोमेटो, केल, पम्पकिन, जो कि नॉर्मली लोग नहीं कंज्यूम कर पाते हैं।
बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, पानी में आप उसको मिक्स कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको ब्लेंड करें, पानी में मिक्स करें जब तक ये प्रॉपर तरीके से घुल ना जाए, और उसके बाद आप अपनी बॉडी में आप इसको इंटेक कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू आप इसको कंज्यूम कर पाएंगे। अगर आप एक हेल्थ फिजिक पर्सन है, अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एटॉमिक बैलेंस लाइफ के साथ कुछ ऐसे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रोबायोटिक्स, विटामिन सी, अलास्का ओमेगा 3, स्पिरुलिना एंड फाइनजाइम। ये सभी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपकी डाइजेशन को और इम्प्रूव करेंगे। अगर आपका कोई गोल है या डिक्रीज करने का या वेट को गेन करने का, तो वो गोल भी आप यहाँ से इजी तरीके से अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं हैबिट आपको क्या क्या फॉलो करनी है जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को मॉर्निंग में यूज़ करते हैं एज ए हेल्थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपका बिजी मॉर्निंग रहता है, आपके पास टाइम नहीं रहता, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लगातार ब्रेकफास्ट को मिस करते हैं तो वो मेन रीज़न रहता है, आपकी ओबेसिटी का कारण बनता है। सेकेंड चीज़, अगर आप एक नाइट प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप मील रिप्लेसमेंट के प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, जिसमें आप अपने डिनर के टाइम पे इस एटॉमिक बैलेंस लाइफ को यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा कि आप एक घंटा पहले इसको खा लें सोने से पहले, ताकि जब आप अपनी बॉडी भी को रेस्ट दें तब जाके आपकी पूरी बॉडी के अंदर रिकवरी करे और आपका एपेटाइट फुल रहे। इंटेंसिव वर्कआउट अगर आप करना चाहते हैं या इंटेंसिव प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं ब्रेकफास्ट एंड डिनर में आप इसको कंज्यूम करें और अपना लंच हैवी रखें। लंच में आपके पास सैलेड होना चाहिए, अच्छा खासा प्रोटीन रहना चाहिए उस फूड के अंदर जो आप कंज्यूम करें, और साथ ही साथ जब आप इसको कंज्यूम करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट भी आपको करना है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका जो मील है वो आपके बॉडी से, स्टोमक से अच्छी तरीके से पच जाए। फिटनेस प्रोग्राम अगर आप कोई फॉलो कर रहे हैं, फिटनेस प्रोग्राम फॉलो करने पे अगर आप इसको बिफोर और आफ्टर वर्कआउट लेना चाहते हैं, तो बिफोर तो आप इसको ले सकते हैं पानी के साथ, बट अगर आप आफ्टर वर्कआउट इसको लेना चाहते हैं तो मिल्क के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो थोड़ा सा स्लो डाइजेस्टिव रहता है, आपके पेट के अंदर जमा रहता है और साथ ही साथ आपके स्टोमक को, एपेटाइट को फुल रखता है। इसमें एक पाउच के अंदर आपको मिलेगा 11 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, साथ ही साथ इसमें आपको 8 काइंड्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, 3 काइंड्स ऑफ आपको अलग तरीके के हर्ब्स मिलेंगे, और अगर आप अपने करंट वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एक रिप्लेस करना पड़ेगा अपना मील, जिसमें आपको 2 रेगुलर मील लेने हैं एक दिन के अंदर, जब आप उसमें अपने रेगुलर करंट वेट को मेंटेन कर पाएंगे। बट अगर आपका गोल है कि आप जल्दी से आपको अपना वेट लॉस करना है, देन उसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 मील विद एटॉमिक बैलेंस लाइफ और 1 रेगुलर मील आप ले सकते हैं। बट अगर आपको एक हेल्थी वेट गेन करना है, तो कोशिश करें कि तीनों टाइम आप एटॉमिक बैलेंस लाइफ को कंज्यूम करें अपने मील के साथ। जैसे कि मील को कंज्यूम करने के बाद 1 घंटे का गैप लिया, और 1 घंटे के गैप के बाद पानी में मिक्स करके आपको एटॉमिक बैलेंस को कंज्यूम करना है, जिसके बाद आप इजी तरीके से अपने वेट को गेन कर पाएं। क्योंकि खाने में मे भी शायद आपको उतना प्रोटीन ना मिल पाए, बट इसके थ्रू आप अपने पूरी बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसे आप कंज्यूम कर पाएंगे। प्रॉपर तरीके से आपको इसको मिक्स करना है मिल्क के साथ, एटॉमिक बैलेंस लाइफ को अच्छे से ब्लेंडर में मिक्स करिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो सके। कोई भी अबव 5 किड, यानी कि जो भी 5 साल की ऊपर का पर्सन है, बच्चा है, वो इसको कंज्यूम कर सकता है, और 60 साल के पर्सन से ऊपर वाले पर्सन भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। एटॉमिक बैलेंस लाइफ वर्क नहीं कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैंने इतना सारी चीज़ें खा ली, मैंने कैरेट खा लिया, मैंने पालक खा लिया, तब भी मेरी बॉडी में ये अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं दिला रहा है, क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है कि आपकी पूरी बॉडी अभी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में चल रही है, उसमें टाइम लगेगा, जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये असर दिखाना स्टार्ट करेगा। आपका गट सिंड्रोम प्रॉपर तरीके से वीक है, आप कुछ भी खाना खा रहे हैं वो जल्दी पच नहीं रहा है, पतली पतली आपको लेटरिंग हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें पहले आपका डाइजेशन अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाए, उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ही वीक है, जब भी आप खाना खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से पचता नहीं, आपको गैस होने लगती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको शुगर, डायबिटीज़, गैस की ऐसी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये एटॉमिक बैलेंस लाइफ आपकी पूरी बॉडी के अंदर थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिजल्ट दिलाने में। आपका फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत ही स्लो है, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना इनटेक कर रहे हैं और टाइम कम दे रहे हैं, ड्यूरेशन कम दे रहे हैं,
अगर आप 4 से 5 घंटे का गैप नहीं दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी को टाइम ज़्यादा लगेगा उस पिछले खाने को बर्न करने के लिए। तो कोशिश करें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दें, तब जाके आपकी बॉडी के अंदर एटॉमिक बैलेंस लाइफ अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो उसको कम रखना स्टार्ट करें, अच्छी चीज़ें देखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और प्रोडक्ट को अपना वर्क करने दें, जिसकी वजह से आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। बैलेंस गट फ्लोरा मतलब कि आपका जो गट है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कोशिश करें प्रोबायोटिक को कंज्यूम करें जिससे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी और आपकी बॉडी के अंदर जो बैटल चल रही है बैड बैक्टीरिया के साथ वो जल्दी से जल्दी जीत सकें, ताकि आपकी पूरी बॉडी वेट लॉस के प्रोसेस को अचीव कर सके। इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली मार्केट के अंदर। अब बात करें, ये प्रोडक्ट आता है 750 ग्राम के पैक के अंदर, जिसमें आपको मिलेगा 25 ग्राम के हर एक पैकेट के अंदर 30 पैकेट मिलता है। 30 पैकेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 25 ग्राम का एक पैकेट रहता है। अगर हम बात करें SGD प्राइस की तो वो रहेगा 65 रुपीज़, बट इसमें आपको PV मिलता है 11,000 PV। इंडियन प्राइस के अराउंड अगर हम बात करें, जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस कितने तक रहेगा, इसका प्राइस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 3500 से 4000 का प्राइस, जिसको आप इसी तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं, तो कि मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और जो भी आपके डाउट और क्वेरी हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें अपनी सभी फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हर एक पर्सन इसके बेनिफिट को जान सके और जल्दी से जल्दी यूज़ करके अपने वेट लॉस के प्रोसेस को पूरा कर सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका वीडियो आपके तक पहुंच सके, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सकेगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।